जनपद पौड़ी में लगातार बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब जिला पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए महिला पुलिस स्कूल खुलने और बंद होने के समय छात्राओं से मिलकर उन्हें जागरूक कर रही है। साथ ही पिंक यूनिट इस दौरान छात्राओं की समस्याओं से भी रूबरू हो रही है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले में महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए जिले की पिंक यूनिटी पुलिस स्कूलों में जाकर छात्राओं को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ जागरूक कर रही है। इस दौरान पिंक यूनिट द्वारा छात्राओं की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। छात्राओं द्वारा पिंक यूनिट के समक्ष जो भी समस्याएं रखी जा रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्य किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जनता की ओर से हमें बार बार ये शिकायतें आ रही हैं और साथ ही साथ महिला संबंधी प्रकरणों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसका हम लोग संज्ञान लेते हुए स्कूल कॉलेजेस में जाकर जो बालिकाएं हैं उनके साथ हम लोग रेगुलर डायलॉग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको लीगली अवेयर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर उनके कोई कंसर्न है उनके ऊपर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने जिले में पिंक यूनिट की स्थापना की गई है, जिसमें हमारी जो महिला कर्मचारी होती हैं वो स्कूल छूटने के समय या स्कूल खुलने के समय में हमारे जो स्कूल की बालिकाएं होती हैं उनके साथ बातचीत करती हैं, उनको जाके अवेयर करते हैं और अगर उनकी कोई शिकायतें हैं कोई उनके कंसर्न है उनको हम लोग टेकअप करते हैं।